गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैम, माय मैजिक चेक गॉट रियलाइज्ड। आई गॉट अ गिफ्ट दैट टाइम। आई डिडंट रियलाइज दैट इट हैज गॉट रियलाइज्ड। 2 days back or yesterday you were taking the session and you were saying that we need to spend on in ourselves, don't hoard the money, something like that. And when this money I got ना, the first thing I thought was that ओ मेरे को वो चीज लेनी है जो मैंने मैजिक चेक में लिखी थी, बिकॉज सिंस सिंस आई हैव कम फ्रॉम बाली। और मैंने पहले भी ऐसे ना, दिस इज अ ब्रांड आई वांटेड टू टेक, एंड मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ कि हाँ चलो अभी दूसरी कोई मैजिक चेक भर लो, ऐसे ऐसे करके। सिंस द टाइम वी केम फ्रॉम बाली, मेरे को था कि नहीं मुझे यही मैजिक चेक भरना है। जब मुझे रुपए मिले तब एक बार तो हुआ कि वाओ, आई कैन लाइक दिस इज द मनी आई गॉट फ्रॉम यूनिवर्स फॉर माई दैट ब्रांड। पर उसके बाद हो जाता है ना, देन यू कम टू योर दिस थिंग से नहीं नहीं लेट मी लाइक इन्वेस्ट दिस मनी समवेयर, और लेट मी पार्क दिस मनी समवेयर बिकॉज इट्स अ ह्यूज मनी, एंड लेट मी बी लाइक इसको फाइनेंशियली सिक्योर कर देती हूँ। इसका ऐसी कोई मुझे भी समय बैक की इतनी कोई जरूरत नहीं है। बट येस्टरडे व्हेन यू वर टेकिंग द सेशन यू सेड दैट जो चीज होती है, मतलब कि तुम्हारे मन में कुछ है तो उसको होल्ड मत करो, ले लो चीजों को, है ना। देन आई रियलाइज वाओ, दिस इज लाइक द मैजिक चेक आई हैव गॉट। एंड येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू समवन अबाउट द मैजिक चेक, एंड देन आई रियली लाइक फ्रॉम माय हार्ट आई लाइक रियली थैंक यू। नहीं, ये तो मनी इसी में जाएंगे, मतलब दिस मनी विल गो इन बिकॉज दिस इज द यूनिवर्स इज वे ऑफ गिविंग मी मोर मनी, कि तुम ये ले लो, तुम्हारे इतने दिनों से इतने महीनों से तुम नहीं ले रही हो, तुम ये ले लो। सो आई हैड टू ऑप्शन, बट मैम थैंक यू फॉर चेंजिंग द वे वी थिंक। बिकॉज क्या होता है, जब जब कभी आता भी है ना तो तुम लगता है कि यार ठीक है यार, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तो वाई नॉट सेव दिस मनी, वाई नॉट कीप इट फॉर लेटर। बट थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग आर लाइफ, आर माइंड सेट दैट थिंग्स विल कीप ऑन पोरिंग इन आर लाइफ। यू जस्ट नीड टू रियलाइज दैट ये अभी का गिफ्ट है, इसको अभी इंजॉय कर लो। सो ऑल्सो मैम, दिस टाइम लाइक मैजिक मेरा एक मैजिक चेक रियलाइज हुआ था लास्ट सेप्टेम्बर, विच वॉज अज अमाउंट, और ह्यूज अमाउंट था। मेरा बहुत अच्छा फोन था, मैंने उसके लिए करा था, एंड आई गॉट इट एज अ गिफ्ट। एंड देन मैंने ये वाला मैजिक चेक, जब से मैं बाली में आई, मैंने अपने एकदम सामने रखा हुआ है कि मेरा टेबल है और ये मेरा मतलब मैजिक चेक है, यहाँ पर रखती हूँ और मैं इसको ऑन एंड ऑफ देखती रहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने, अगर मैं घर पे नहीं हूँ, ट्रैवल कर रही तो बात अलग है, बट अदरवाइज मैं इसको देखती रहती हूँ, मतलब मेरे सामने ही आंखों के। सो थैंक यू फॉर गिविंग दिस ऑल्सो एज अ क्यू कि इसको अपने सामने रखो। पहले मैं बनाती थी, पर मैंने कहीं ना कहीं चला जाता था अंदर। बट थैंक यू सो मच मैम फॉर चेंजिंग आर लाइव, माई लाइफ इन ऑल द एस्पेक्ट। एंड आप बार बार यही बोलते हो कि सारे एरियाज अपने ठीक करो, एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर फॉर अस कि ये करना है, एंड लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, आई कांट टेल यू। थैंक यू सो मच मैम, Great, awesome. Congratulations and थैंक wish you यू more and मैम। more prosperity. Actually, holding on to money जो होता है ना, कई बार लगता है ये बहुत कॉमन इश्यू है, हम सबका ही होता है कि कोई पैसा आता है तो हमें लगता है कि इसको जोड़ लो। पहले हमने सोचा होता है कि इसको ये चीज खरीदेंगे, ये वाला पैसा आ जाएगा तो इस वेकेशन पे जाएंगे, ये पैसा आ जाएगा तो ये खरीदेंगे। फिर जब आ जाता है तो हमें लगता है नहीं नहीं जोड़ लो। जोड़ लो का मतलब होता है दैट यू हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, बिकॉज दैट मीन्स दैट यूनिवर्स इज नॉट एबल टू सप्लाई मोर। सो मैं इसको पकड़ के देती हूँ, पता नहीं कल को आएगा कि नहीं आएगा, वो वाला होता है ना, उसकी वजह से आने वाला पैसा रुक जाता है। सो एक्चुअली माई सब थॉट्स आप